गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ. टुडे वी विल अंडरस्टैंड मैथ चैप्टर 3 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड. आज हम क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल्स हूज साइड्स आर. आपको यहाँ पे ट्राइंगल की साइड्स भी हैं. ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती है ना, तो फर्स्ट है 3 सेंटीमीटर, सेकंड है 6 सेंटीमीटर और थर्ड है 8 सेंटीमीटर. अब आपको उसका पैरामीटर निकालना है. और तो पैरामीटर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला. तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को प्लस करना. तो हम सारी साइड्स को यहाँ पे प्लस करेंगे, 3 + 6 + 8, हमारा क्या आएगा आंसर 17 सेंटीमीटर. तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, 17 सेंटीमीटर. तो आप इसी तरह सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स इज गिवन बिलो. आपको यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है. ठीक है, उसकी साइड्स हमें दी है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर. ठीक है, ये क्या है, ए क्या है, इसमें ए रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे साइड को. ठीक है, तो हमें साइड दिया 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 की आप इस तरह भी करते हैं, 14 की 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आएगा यहाँ पे, 196, यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर लगाया ना, और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हमारा सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इस पर आप लिखेंगे, सभी क्वेश्चंस को करेंगे. नाउ अब थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन का एग्जांपल देखेंगे. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन. अब क्या है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है, एल इंटू बी. ठीक है, एल हमें दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है. ठीक है, हम उन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. एल क्या है, 16 मिलीमीटर, और ब्रेथ क्या है, यानी बी 9 मिलीमीटर. ठीक है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 144 मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस को एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर के फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.